So this is our next compound. The molecular formula of compound is C3H6O. ठीक है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O with NMR data is shown below. तीन सिग्नल्स मिल रहे हैं, सिंगलेट एट 9.77 डेल्टा 1H एंड कपलिंग कांस्टेंट इज 2H2, क्वार्टेट एट 2.5 डेल्टा 2H एंड कपलिंग कांस्टेंट इज 6H2 और तीसरा सिग्नल मिल रहा है, वी आर गेटिंग हियर ट्रिपलेट एट 1.2 डेल्टा 3H कॉमा The coupling constant is 6H2. Now what? ये तीन signals हमको मिल रहे हैं. Molecular formula is C3H6O. हमें इसका structural formula draw करना है. ठीक है? हालांकि बहुत short form है. अगर आप कर सकते हो तो short form में इसको draw करके देख सकते हो. तो मैं आपको पहले इसके दो probable structure बताता हूँ. इसके सिवा दो दूसरे structure जो है वो possible नहीं है. CH3 then C double bond O CH3 and another structure is CH3 CH2 C double bond O H means one is the ketone keto group ketone and other one is the aldehyde. तो इसमें से कौन सा सही है तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा. सिंगलेट एट 9.77 वन हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा है वन हाइड्रोजन. तो वन हाइड्रोजन यहाँ पर तो है ही नहीं, पहले ही क्लियर हो जाता है कि देखिए मतलब हम जो एनएमआर स्पेक्ट्रा से हम लोग इसे एग्जैक्टली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर जब तक मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं देकर है तब तक, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सिंगल एनएमआर स्पेक्ट्रा यू कॉन्ट विदड्रॉ दी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दी गिवन कंपाउंड. ये मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है तो हम प्रोबेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिंपल तरीके से समझो. अब ये जो दो पॉसिबल या प्रोबेबल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इन दो प्रोबेबल स्ट्रक्चर से कौन सा सही होगा. पहली वैल्यू भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है. देखिए अगर हम बात करते हैं ना, फर्स्ट वैल्यू इज नॉट सपोर्टिंग, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि 1H तो है ही नहीं है, इसमें 1H है तो ये सपोर्ट कर सकता है. तो वैल्यू क्या है इसकी 9.77, क्यों, क्योंकि CO के साथ अटैच है 9.77 डेल्टा. ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, इसको सपोर्ट कर सेकंड वैल्यू क्वार्टेट एट 2.5 डेल्टा. क्वार्टेट मतलब क्या है, ये है 2H. अब 2H तो यहां पर है ही नहीं, 2H यहां पर है और इसको ये क्वार्टेट देगा भी, क्यों क्वार्टेट देगा, 3 है यहां पर हाइड्रोजन, तो n प्लस 1 के हिसाब से 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, तो वैल्यू विल बी द क्वार्टेट, वैल्यू विल बी द क्वार्टेट. ठीक है, वैल्यू कौन सा क्वार्टेट मिलेगा. इसका मतलब क्या है, देखो यही वाला सपोर्ट कर रहा है, पहले भी क्लियर हो जा रहा है एंड हियर आल्सो CH3 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड H. नाउ लेट्स सी सिंगलेट, ये जो वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा आपका सिंगलेट एट डेल्टा 9.77. ठीक है, JH2 जे हर्ट्ज में भी ले सकते हैं, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज में भी ले सकते हैं हम लोग कपलिंग कांस्टेंट, बट यहाँ पर ये दिया हुआ है. ठीक है, फॉर दिस CH2, ये CH2 क्या देगा, क्वार्टेट देगा, क्यों, इसके लिए, बिकॉज द मिथिल ग्रुप नेबरिंग नेबरहुड कार्बन इज हैविंग द 3 प्रोटॉन, सो क्वार्टेट एट 2.5 डेल्टा वैल्यू एंड जे इज द 6H2 इक्विवेलेंट हियर ट्रिपलेट, और ये 1.2 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत दूर पे है, तो फिर इसका क्या आएगा, इसका आएगा ट्रिपलेट. इसको देखकर दो हाइड्रोजन है ना, तो फिर दो हाइड्रोजन है तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन प्लस 1 3 2 + 1 3, तो ये इसका जो स्प्लिटिंग होगा वो ट्रिपलेट पे होगा, इसका जो स्प्लिटिंग होगा ट्रिपलेट पे होगा, ट्रिपलेट एट 1.2 वैल्यू को, क्योंकि इससे दूर है, इससे जितने दूर है, जितने नजदीक है उतने ज्यादा, उससे दूर है उससे कम. देखिए ये डेल्टा वैल्यू 9.77, इसकी डेल्टा वैल्यू 2.5, इसकी डेल्टा वैल्यू 1.5 डेल्टा वैल्यू एंड ठीक है ना, 3H for 3H and J is equals to 6H2. J मतलब coupling constant, it is equivalent. ये दोनों भी जो coupling constant है या फिर coupling है वो same है. इसका मतलब these two are the neighborhood proton, है ना neighborhood. ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है, but ये एक दूसरे के नजदीक नहीं है क्योंकि इसकी value H2 के बराबर है, 6H2 के बराबर, 6H2 के बराबर है, इसकी सिर्फ H2 के बराबर है. ठीक है, और 2H2 के बराबर है, तो ये neighborhood नहीं. अगर J same रहा, ये 10 हर्ट्ज अगर है तो ये 15 हर्ट्ज एंड दिस इज अगेन 15 हर्ट्ज, मतलब क्या, नेबरिंग प्रोटॉन्स.
तो यही वाला क्या होता है, सही हो सकता है, ठीक है। और आप ये देख के भी पता कर सकते हो, देखो वन थिंग इज देयर, दी कॉटलेट ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन अगर है और जे सेम है तो इसका मतलब दिस इज दिस यूनिट CH3CH2 यूनिट, और ये अल्डेहाइड प्रोटॉन इतना ज्यादा 9.77 जो है अल्डेहाइड जो प्रोटॉन है वही देता है, इसका मतलब दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज व्हाट प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन अल्डेहाइड, दिस व्हाट प्रोपेन अल्डेहाइड, प्रोपेन अल्डेहाइड, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको कोशिश करना और मल्टीपल प्रॉब्लम जो है उसको आप लोग ट्राई करो, और इस तरीके से आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूमेरिकल जो है या फिर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है। यहीं पे आप अपना क्लास और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। डाउट्स आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों को काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।